हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, मॉनसून स्पीक पे है और आप सभी को पता है कि मेरे यहाँ लगभग 10 से 12 दिन पहले मंकीज़ ने अटैक किया था। मंकीज़ ने मेरे प्लांट के ऊपर से बहुत सारे पत्ते उतार दिए थे। ये समझ लीजिए प्लांट को फुल स्ट्रेस में लाके उसने रख लिया था। प्लांट के ऊपर जितने भी मैंने पत्ते निकाले थे कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह ये सब स्प्रे करके, उसका पूरा रिजल्ट उल्टा कर दिया था। सारे पत्ते मेरे प्लांट के ऊपर से उतर गए थे। तो एक दो व्यूअर्स ने मुझे मैसेज किया है कि सर आपका अपडेट बताइए, क्योंकि जो 10 दिन पहले प्लांट थे अभी वो प्लांट की कंडीशन कैसी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि प्लांट की कंडीशन कैसी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि मैंने ये प्लांट के पीछे पिछले 10 से 15 दिन तक कुछ भी नहीं किया। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपको एक वीडियो में शेयर किया था कि मैं 0-52-34 करूँगा, 13-40-13-12-61 ये फर्टिलाइज़र मैं रोटेट करता जाऊंगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसका रीज़न, क्योंकि बाद में लोग सवाल पूछेंगे सर आपने बोला और आप खुद नहीं कर रहे, वो मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि लगातार पिछले 12 या 15 दिन से हैवी रेनफॉल है मेरे यहाँ, बहुत ज़्यादा रेनफॉल है। रात रात भर पूरे पूरे दिन बारिश होती है, कभी कभार दिन में भी बीच बीच में बारिश आ जाती है, रुक जाती है, आ जाती है, रुक जाती है, रात को भी बारिश आ जाती है, रुक जाती है। तो जब ऐसे कंडीशंस होते हैं तो हम स्प्रे करने जाते हैं तो प्लांट के ऊपर स्प्रे नहीं हो पाता, या तो टाइम एडजस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे टाइम मिलता है सुबह के वक्त, और तब अगर बारिश होती है और मोस्ट प्रोबेबली सुबह के वक्त मेरे यहाँ बारिश होती है, तो तब मैं फर्टिलाइज़र का स्प्रे नहीं करता और बाद में रूट्स में भी नहीं दे पाता। तो ऐसा कर करके फ्रेंड्स, मैंने ये टोटली फर्टिलाइज़र का कॉन्सेप्ट मैंने पूरा स्किप किया है। और ये अभी जो भी अपडेट बताने वाला हूँ वो फर्टिलाइज़र के बिना का अपडेट है। लेकिन सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको हाइबिस्कस से रिलेटेड एक प्लांट बताना चाहता हूँ। मेरे दूसरा चैनल है एमजे गार्डनिंग, आप वहाँ पे जाके ये हाइबिस्कस की वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट खिला हुआ है, क्योंकि ये प्लांट को बख्श दिया है हमारी गिलहरियों ने। और जैसे कि देख रहे हो, बहुत ही सुंदर फ्लावर खिला हुआ है, बड़ा सा फ्लावर है। जैसे कि देख रहे हो, एक पेटल मेरी एक उंगली के बराबर है, इतने बड़ा फ्लावर है। दूसरे फ्लावर बर्ड्स भी इसके ऊपर आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, मेरे दूसरे भी जो हाइबिस्कस है उसके ऊपर भी अभी फ्लावरिंग शुरू हो चुके हैं। तो मॉनसून्स जैसे ही आते हैं फ्रेंड्स, तो क्लाइमेटिक कंडीशन ज़्यादा मैटर करती है फर्टिलाइज़र से ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं अपडेट। तो सबसे पहला जो प्लांट यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर पत्ते की ग्रोथ देखिए, सारे रेड लीव्स और नए लीव्स सारे हमारे प्लांट के ऊपर आ चुके हैं। प्लांट धीरे धीरे अभी लीव्स प्रोड्यूस कर रहा है। ये विदाउट फर्टिलाइज़र का अपडेट है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख रहे हो सारे रेड लीव्स प्रोड्यूस हुए हैं, और यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो पूरे पत्ते ही पत्ते लगे हुए हैं। ये प्लांट देखिए, पूरा पत्तों से भरा हुआ प्लांट है, रेड और मरून कलर के लीव्स आ रहे हैं। ठीक उसके बगल में ये प्लांट देखिए, विदाउट एनी फर्टिलाइज़र, सिर्फ बारिश का पानी इसके ऊपर आ रहा है। सनलाइट मेरे यहाँ बहुत कम आ रही है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो हल्की सी सनलाइट आ जाती है, बाद में फिर से क्लाउडी क्लाइमेट हो जाता है, बहुत कम सनलाइट मिलती है प्लांट को और बारिश आ जाती है थोड़ी थोड़ी देर में। तो ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सिर्फ बारिश का पानी और सनलाइट, ये दोनों के कॉम्बिनेशन का असर है, और ये सारे प्लांट्स हमारे बहुत ही खूबसूरत पत्ते निकाल रहे हैं। तो अभी फ्रेंड्स, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस अभी चल रहा है कि अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, एक्सेसिव रेनफॉल हो, तो बाद में प्लांट को छोड़ दीजिए। अगर आप अपने प्लांट के अंदर फर्टिलाइज़र देते रहेंगे, प्लांट और ज़्यादा नुकसान में जाएगा, थ्रिप्स लगेगा, फंगस लगेगा। अभी प्लांट को छोड़ दीजिए, अभी कोई भी फर्टिलाइज़र मत दीजिए अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश है, जैसे कि मेरे यहाँ है। लेकिन अगर आपके यहाँ बारिश नॉर्मल है, एक दो दिन बंद हो जाती है, बाद में तीसरे दिन होती है, बाद में 4-5 दिन बंद हो जाती है, ऐसी बारिश है, तो बाद में फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि सनलाइट प्लांट को ज़्यादा मिलेगी, जितनी ज़्यादा सनलाइट मिलेगी प्लांट को, तो प्लांट को उतना ही फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उसका फास्ट चलता रहेगा। अभी जो कंडीशन है फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट के पास बहुत कम चल रहा है, जिसकी वजह से उसके पास जो भी स्टोरेज है वो स्टोरेज का वो यूटिलाइजेशन कर रहा है और प्लांट अपने पत्ते निकाल रहा है। तो ये तरीके से फ्रेंड्स, हमारे ये जो भी पुराने प्लांट्स है, ये जितने भी देख रहे हैं, ये अराउंड 1.5-2 साल पुराने प्लांट है, उसके ऊपर फटाफट ग्रोथ आ गई है, क्योंकि उनके रूट सिस्टम भी उतने हेल्दी थे, जिसकी वजह से उन्होंने रूट्स लीव्स जल्दी निकाल दिए हैं। अब बात आएगी हमारे कोकोपीट वाले रोजेस की। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो, पहले से कोकोपीट वाले रोजेस के ऊपर भी बहुत सारे पत्ते आ चुके हैं। ये जो देख रहे हैं, ये प्लांट टोटली ओपन हो चुका था, इसके ऊपर पत्ते आ चुके हैं। ये प्लांट देखिए, ये भी कोकोपीट में लगा हुआ है। पीछे ये प्लांट देखिए, इसके ऊपर भी बहुत सारे रेड लीव्स आ चुके हैं।
यहाँ पे भी जैसे कि देख रहे हो ये सारे नए लीव्स जनरेट हुए हैं ये प्लांट के भी ऊपर भी, ये जो छोटे छोटे प्लांट है इसके ऊपर भी सारे पत्ते वगैरह डेवलप हो चुके हैं। और ये जो प्लांट देख रहे हो, कुछ कुछ प्लांट पे आपको थ्रिप्स का असर देखने को मिलेगा, इवन दो मैंने फर्टिलाइज़र स्प्रे नहीं किया है प्लांट के ऊपर थ्रिप्स का असर भी हमें देखने को मिलेगा। इंडिकेशन है कि प्लांट के ऊपर एक्सेस नाइट्रोजन प्लांट के पास मौजूद है जिसकी वजह से थ्रिप्स अटैक्स हो सकता है, तो आपको कॉन्फिडर का स्प्रे कर लेना है स्टिकर मार के। स्टिकर जो होता है वो थोड़ा सा मिला दीजिए और कॉन्फिडर का स्प्रे कर लीजिए, आपके प्लांट के ऊपर वो असर ज़्यादा देर तक रहेगा। अगर बारिश भी हो जाए तो भी उसका असर रहेगा। ये वन ऑफ द मेरा स्टैंडिंग रोज है, बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है लेकिन फिर भी इसके ऊपर से देख सकते हो, फिर भी इसके ऊपर से सारी नई शूट्स आ रही है और प्लांट ग्रोथ ले रहा है। तो ये एक्चुअली पोजीशन है अभी हमारे जो रोजेस की, जो अराउंड 10 से 12 दिन के आसपास का रिजल्ट आप देख रहे हो, और ये और भी ज़्यादा डेवलप होंगे और भी ज़्यादा ग्रो होंगे जब मेरे यहाँ बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी, जब मेरे यहाँ मानसून रुक से जाएंगे तब से मैं फर्टिलाइज़र देना इनको शुरू करूँगा। और जहाँ तक अभी तक बारिश हो रही है तब तक मैं कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दूंगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे उन्होंने छोटे पौधे देखे होंगे, यहाँ पे ये जो पौधे जो मैंने लिए हैं वो पुष्पांजलि अशोक से लिए हैं, अच्छी क्वालिटी के प्लांट नहीं आए हैं, प्लांट कुछ डाईबैक हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है हमारे KSG के प्लांट, उनको भी मैंने कोकोपीट में लगाया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्लांट आए हैं और बहुत ही अच्छी ग्रोथ उन्होंने स्टार्ट कर दी है। तो सारा जो खेल है फ्रेंड्स वो क्लाइमेट के ऊपर ही डिपेंड होता है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फर्टिलाइज़र के दम पे ही प्लांट को अच्छा ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट अगर सही से मैटर करेगा आपका प्लांट भी बहुत ही अच्छा ग्रो हो पाएगा। ये जो देख रहे हैं ये सारे मेरे कश्मीरी रोजेज है, इसके ऊपर भी बहुत सारे पत्ते पीले होके गिर चुके थे लेकिन जैसे कि देख रहे हो प्लांट के ऊपर फिर से सारे हरे लाल कलर के पत्ते निकलना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे भी जैसे कि देख रहे हो, यहाँ पे भी जैसे कि देख रहे हो पूरा प्लांट भरा हुआ है अपना। और ऑब्वियसली हमारे जो समर स्नो है वो सारे हरे भरे हैं, सारे लीव्स हेल्दी है इनके और प्लांट की ग्रोथ सुपर्ब हो रही है। तो ये एक छोटा सा अपडेट है और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपके यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है तो ज़्यादा बारिश में ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र दोगे आपके प्लांट बारिश की सीज़न में उतने ही ख़राब होंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक नोट ध्यान रखिए, एक्सेसिव मानसूनस में आपको फर्टिलाइज़र नहीं देना है, लेकिन जहाँ पे मानसूनस थोड़े थोड़े हैं, एक दो दिन का गैप पड़ जाता है, सनलाइट बहुत ज़्यादा तेज़ आ जाती है, तो ऐसे में आपको फर्टिलाइज़र देना होगा जिसकी वजह से आपको रिज़ल्ट अच्छा मिल सकता है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।